उसकी महिमा को न समझ
उदाहरण करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे ही चिल्ला चिल्ला के मर जाइए, चले जाइए, जिन्हें में कोई असर ना पड़े। असर असर का आज ने 8 दिन गा तो ही गए तो गले में न पीर हो गई। क्यों भैया, हमें लगे तुम्हारी दीदी ने ज्यादा चिल्लवाओ हैं, ज्यादा चिल्लवा बहुत। देखो मैं तुम्हारे मुंह पे बुराई कर रही, तुम चली जाए तुम जिंगा कर रही। बात तो सही है, तुम्हें चिल्लवाओ ने। देखो इतनी बुराई ना करियो भैया। अच्छा कोई बात ना, देखो हम तो आज इन्हें एक चिल्लाए, हम ज्यादा ना गाए बस थोड़ो थोड़ो। देखो अकेले चिल्लाई है तो हमारी मम्मी जा कहेंगी बिटिया हमारी अकेली चिल्लाए चिल्लाए हार गई, कैसी मैया थी इन्हें संग ना दो हैं। ज्यादा ना गाए बस थोड़ी थोड़ी, साथ देते चलोगे तो बेड़ा पार लग जाएगा तेरा हाथ उभर करके। मन परीक्षित महाराज, जब तक व्यक्ति मन को अपने बस में नहीं कर लेता है तब तक उसका कुछ होने वाला नहीं है। कभी कहता है मन के माते न चाली है, मन के माते न चाली है, मन है पक्का दूत और ले दरिया में कूद जाए तो प्राण जाए हाथ से। मन के हिसाब से चलोगे तो हमेशा पछताओगे, इसलिए इस मन के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। इस मन को परमात्मा के चरणों में लगाओ। या क्यों बैठे हो अपने मन को तसल्ली देने के लिए? अच्छा एक बात बताइए, बताओ हमारे तुम्हारे जो अंदर आत्मा विराजमान है वो आत्मा भोजन करती है? आत्मा भोजन करती है? आत्मा आत्मा तो ना करते, आंत करती है। नहीं हम ये सब पूछ रहे हैं, आत्मा जो है वो भोजन करती है? जवाब दो पीछे दादा बैठे हैं।
हेलो क्यों दादाजी आत्मा भोजन करती है, आत्मा जो है भोजन करती है करती है, जिसका जवाब हाँ है वो हाथ उठा दो, ना ही करते कछु कहते हैं हाँ हाँ करते कछु का तो ना ही करते। अब जम जाए ना समझ में आ रही कर रही है या ना कर रही है, है? अब माताएं सोच रही हुई है आत्मा शरीर के अंदर ही तो है, जब रोटी खाते तो आत्मा काहे ना खाते हुई है, है? ना ऐसा नहीं होता है मेरी माता, वो आत्मा जो है वो परमात्मा से लगी हुई है, आत्मा कभी भोजन नहीं करती है, आत्मा जो है हमेशा परमात्मा का भोजन करती है। अगर व्यक्ति परमात्मा का भोजन करेगा प्रभु के चरणों में लगन को लगाएगा तो उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, लेकिन आजकल शांति के लिए भगवान को भजन करे को काउ के पास टाइम ना है भैया। हाँ बोले